पी लो, कुल लड़ाई वजह से इतना सुनना पड़ता है। बंद करो, बंद करो, क्या है इसका, कहाँ से बंद करो। आप लोग को लाइक कमेंट मत करो, फ्लाइंग किस देना बंद कर दिया इसने, ठीक है। मुझे टोनी कक्कड़ सर के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसमें हम आद्या को पंजाबी कुड़ी बनाए तो उसके इतने छोटे छोटे से कुर्ता पजामा परांदा पता नहीं क्या क्या आया आद्या के लिए, और हम लोग को कोलैबोरेशन के लिए एक लग्जरी कार चाहिए जो हम अरेंज करने की कोशिश करें। मतलब हम लोग को ऐसा दिखाना है कि लग्जरी कार के आगे हम वो पंजाबी कुड़ी वाला उनका वो चंडीगढ़ की कुड़ी करें। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके ऊपर, लेकिन बहुत सारी बातें बातें चल रही है, सब मस्त चल। आद्या आओ ना, मम्मी का कपड़ा चलाते हैं। बहन तेरी बहनों के आने से यही नुकसान होता है। ये नाइट सूट हम ले जाएंगे। नहीं हाँ ये अच्छा लगा मुझे। नहीं हम ना नाइट सूट खरीदो ना, हमको अच्छा लगे दे दो हमको। अरे तुम्हें तो गिरो पड़ो नहीं यार, बच्चा चल रहा है साथ में हमारे। क्या पहनोगी ये? हाँ तुम ये पहनो सही कपड़ा। गाइस बहुत मजाक उड़ाते हैं ये लड़का मेरे साथ शिवानी रहती है। ये नालायक है। फ्रॉग जैसा कुछ, फ्रॉग जैसा कुछ। आजा तू, ये पैक पड़ा हुआ, ये ले ले। ये जीजू का है क्या? दिखाओ। तुषार ठीक है, नहीं पी रहा भाई, कभी कभार कर तो रख दो ना उसको अंदर। अब उसको अंदर मम्मी। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे छोटी माँ इसको लेके जाओ ना, इसको लेके जाओ ना। मम्मी मम्मी देखो ना, मम्मी ये सुधरने का नाम ही नहीं ले। अरे मम्मी कभी कभार पी, कभी कभार क्या होता है मम्मी, और यहाँ क्यों रखेगा कभी कभार पीएगा? इसके अंदर सिगरेट है चार पांच। शांति से आराम से, तुम भी प्यार से समझाओ। क्या प्यार से समझाओ? मैं छोड़ मम्मी, क्या प्यार से समझाओ? नहीं बोलू, नहीं बोलती। लो पियो, पूरा पी लो। ये सिगरेट का डब्बा उठाओ और मुँह में सारी भर लो। ब्लॉग तो खत्म कर सकते ना भाई, अभी तो वहीं पे लड़ना है, सबको दिखाना है भाई कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है। क्या है इसका, कहां से बंद होता है ये? नहीं बोलती इसको, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अभी कुछ 3-4 घंटे हो चुके ये सब हुए हुए, मैं बहुत रोई हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो पापा जी ने बोला कि जो भी है सब सामने बैठ के बात करो, तुम दोनों लड़ो मत रूम के अंदर। बाहर के देश में इसको कन्वेंशन बोलते हैं, जहाँ पे सब मिलके एक दूसरे को समझाते हैं, बातें समझाते हैं। लास्ट टाइम आप लोग सबने मुझे हेल्थ के ऊपर समझाया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू डू कन्वेंशन, जहाँ पे तुषार के सिगरेट को लेके आई एम वेरी सीरियस। 11 साल से हमारी एक ही बात पे लड़ाई हो रही है, 11 साल हो गए, और छोटा बच्चा है घर के अंदर। मुझे तो नहीं पापा ये, तो घर पे अगर सिगरेट पीता तो सबको नहीं पता चलता था, पूरे खानदान को कि मैंने सिगरेट पी है, स्मेल से सबको पता चल जाता। अगर घर में तो फिर घर में रखा क्यों, छोड़ क्यों नहीं? अरे अभी बाहर गए थे, मैंने पी थी, लिया था तो जेब में रह गया, घर पे रख दिया। छुपाना उधर लोग आराम से छुपा लेते हैं, मैं छुपा नहीं रहा। छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ ये दिए, कभी कभार घूमने गए, कुछ मन किया अच्छे से हम लोग हिल स्टेशन पे। ऐसे थोड़ा छुटता छुट्टी जाता है, मैं छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? पापा ने एक बार उस दिन के बाद से आज तक पापा को अटैक आया था पापा को, और वहां से पापा ने बोला था मैं आइंदा नहीं पीऊंगा, तो नहीं पिया उस पापा ने। आप अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करते हो मम्मी, हमेशा आप प्रोटेक्ट करते रहते हो, अभी भी आप बोल रहे हो लड़ाई मत करो। आपको लड़ाई वजह से इतना सुनना पड़ता है? ये नहीं, ये लड़का भी एक सिर्फ
दर्द। मैंने कभी सुनाया नहीं, अभी हमें सुना नहीं रही, बट अभी आप पूछ रहे हो कि लड़ाई मत करो, आपके लिए लड़ाई ज्यादा जरूरी है ना कि ये। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, मैं भी तो बोल रही हूँ उसको कि छोड़ दे, कब इसको अकल आएगी। एक बच्चे की बात हो गया है। किसी चीज के लिए रोका टोका, और अभी भी हम इसलिए बोल रहे क्योंकि हमारी जिंदगी तुमसे कनेक्टेड है। तुमको कुछ होता है, ब्रोंकाइटिस अटैक पड़ता है, कुछ होता है तो मुझे ज्यादा टेंशन होती है। तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, रुला दिया, ये भी रोने लगी। घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है, इसको ऊंची आवाज में बात करना पसंद ही नहीं है। हाँ बेटू, चाबी चाहिए, चाबी दे, चाबी दे दो इसको। क्या कर रहे, नहीं सुनते तेरे पापा, क्या कर रहे हम? तू पापा को समझाएगा, तू समझाएगी पापा को, पापा को समझा दे, पापा को समझा दे बेटू। लो ये भी रोने लगी, सब रोने लगेंगे, हमारा पूरा घर क्यों रो रहा है? बहुत खुशहाल घर है, किसी बात पे कभी लड़ाई नहीं होती, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता, सब इतना अच्छा है इस घर में। पर नहीं, जबरदस्ती का कलेश डालना है। बीमार होगा तो मैं तो गांव चला जाऊंगा, मैं फिर रहने का नहीं तुम्हारे साथ में, और मैं भी अपने ससुराल चली जाऊंगी। तुम इस घर में सिगरेट का घर बनाना, ससुराल नहीं, माइका 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 सॉरी 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 सॉरी। देखो सब हंस चुके हैं, सब ठीक हो चुके हैं, और लाइटर नोट फिर कहीं नहीं जा रहा। पापा यही है, देखो वो भी हंस रही है, और लाइटर नोट नहीं होगा ये वापस, और नहीं होगा, मैं कह तो रहा हूँ, और इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। तुम जो भी है देखो, तुम लोग के सामने है, हम लोग का तो घर खुली किताब है, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं तुम लोग से। फोटो देखा कैसा बना रहता है, सिगरेट का पैकेट देखा, फोटो कैसा होता है, डर जाए आदमी देख के। मेरे अलमीरा में पड़ा हुआ है, बोलो आज अगर सातवें का ने कपड़े नहीं मांगे होते, मैं तो कभी इसका, मैं तो अब चेकिंग करूंगी, हर हफ्ते मैं इसकी चेकिंग करूंगी, पूरे बैग पूरे डब्बे खोल के तुम्हारी चेकिंग होगी अब से। सिगरेट नहीं मिलेगी, बस मैं कह रहा हूँ, किसी और लड़के का फोटो हो तो मिल जाए वो अलग बात है, बट सिगरेट नहीं मिलेगी। फिर एक नया झगड़ा शुरू होगा, मैं आज घरेलू हिंसा करूंगी इस घर में, हर बार होती है डोमेस्टिक वाली। पत्नी वता प्रति वता क्या होता है, फिर से वता व्हाट इज वता। जीजू तुम जीजू को ज्यादा हाई फाइव मत दो, एक लो देखो यार, एक ही आज का पेन सब में होती है। सुनो सूरत वासी से कह रहे, हमारे आसपास वाले सब ध्यान रखना, ये कहीं भी पीता हुआ दिख जाए तो तुरंत बताना, उस दिन मैं करूंगी इसकी पिटाई। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जो हमें तुषार भाई की सिगरेट पीते हुए फोटो भेजेगा हम लोग उसको एक शाउट आउट देंगे हमारी स्टोरी पे। मैं इनाम दूंगी, इनाम भी देंगे। ये आज हमने सोचा था सात्विका आई है, सात्विका के ऊपर व्लॉग बनाएंगे, हम घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, इसी के कारण पकड़ा गया है। हो गया सत्यानाश, अभी मेरा मर्डर कर देंगे, बोले तुझे आज ही कपड़े मांगने थे। सरप्राइज आई थी, और ये पता है हमें पता भी नहीं था, अब हम शूट ही नहीं कर पाए यार, अब गाँव तो नहीं जा रहे ना। ठीक है बाय। ठीक है पापा गाँव नहीं जा रहे, आज पापा हो गए थे गुस्सा सही में। तो मैं पूरी ना कर रहा हूँ, पूरे जहाँ को बता दिया इसने, पापा को भी सबको बता दिया। क्या आपको भी लगता है ये है बेबी वाले बच्चे की तरह? इस घर में सबसे ज्यादा अगर आतंक किसी का आया है ना आद्या के बड़े होने से, तो वो ओरियो का है। ओरियो को इतना, वो देखो अभी तो प्यारी वारी कर रही है, उसके ऊपर सो गई है, कभी उसका पूंछ पकड़ के तोड़ने लगती है बेचारा।
वो तो ओरियो है जो इसको बर्दाश्त कर रही है, पता नहीं कैसे इसको बर्दाश्त करने की इसके अंदर शक्ति आई है। सोचो ना, हमें छोटा सा सड़क पे मिला था ये वाली आप फोटो देख सकते हो ना इस साइड, ये ओरियो की छोटे की फोटो है। 2000 कितने में मिला था ओरियो हमें? 2013 में हमें नवंबर 16 2013 को इसको नाली के पास से उठा के लेके आए थे। तब से इसने हमारे साथ हर चीज़ देखा है, हमारा उठाव चढ़ाव। बट बेबी को लेके मुझे ऐसा नहीं था कि ये इतना एडजस्ट कर लेगी या इतना अच्छा रिस्पांस देगी। इतना प्यार से आध्या को डील करती है बेचारी, इसका कभी पैर खींचती है, कभी इसकी आँख के अंदर उंगली डाल देती है, कभी इसके मुँह की जीभ पकड़ के ऐसे कर देती है। अब वो तो बच्चा है, उसको तो नहीं पता किसको दर्द हो रही है। हम रोकने जब तक आते हैं तब तक तो उसके ऊपर हो चुका होता है कान। गुड डॉगी, इस घर में व्लॉग बनाना इतना मुश्किल है बहन। बहन तुमको पता है ना शूट हो रहा है, तो तुमको पता है तो ये सारा सामान ना अभी संभालना। तुम घर जा रही हो? नहीं। कब घर जाओगी? नहीं घर जाएगी, वो यहीं रहेगी। पर उसको सारा बर्तन इसी समय जब मैं बोल रही हूँ तो ये खचक अभी चालू है इसका। घंटे इसको फर्क पड़ता है, यहाँ कैमरा ऑन है, व्लॉग बन रहा है, क्या हो रहा है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट की रानी अनीता त्यागी एंड शी डज नॉट केयर। यहाँ पे जो भी चल रहा है पता नहीं, अपना कुछ स्क्रॉलिंग कर रही है, रील देख रही होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही होगी। अभी देखो। तीन लड़के थे यहाँ पे तब, इशिता के लिए हम सब ने प्रे किया था कि भगवान एक बहन तो दे दो हमें। तब आई थी हमारे मौसी के घर इशिता, तो ये सबसे लाडली इसीलिए है, ठीक है। और फाइनली एक सबसे स्पेशल मेंबर तो रह गया जो कैमरे के पीछे छुपा हुआ है हर बार, जो जिसकी चीज वो इंट्रो शिवानी देगी। मैं दूंगी इसका इंट्रो। आओ, आपको मिला हूं मैं स्पेशल इंसान यश से। यस से इसके ऊपर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, ये तो कभी। हर जितने भी वीडियोस पोस्टिंग आप देखते हो ना उसकी डिलीवरी इसके हाथ में होती है। शूट वूट उसके लिए टीम है, सबको सब चल रहा है, पर एंड डिलीवरी इसके हाथ में, तो मेरा और इसका भसर तो मचते ही रहता है। मतलब कुछ भी हमें कुछ गलती कर दूं सीधा तुषार भैया को फोन करता हूं, अरे हाँ भाई मैं संभाल रहा हूं, रुक जा तू, अभी कुछ बोलना मत, अभी तू 10 मिनट के लिए आना मत बस यार। अच्छा मैंने अवतार मूवी बुक करी है, रिक्लाइनर टॉप रो सेंटर सीट। क्या थे सिगरेट के लिए? मेरे और तुषार भैया के लिए। तू अलग एंगल पर, मेरे और तुषार। अब तो मान जाए ना, अब तो मूड ठीक कर ले। मेरा मूड तभी ठीक हो गया था जब पापा ने बोला कि अगली बार मैं गांव चला जाऊंगा, और मैंने बोला कि मैं मायका ससुराल बोला था। ये देखो ना, गलती पकड़ के मैंने वेट कर रहा है। कमेंट में बताना मेरा ही एक ऐसा घर होगा जिसमें इतने मायके वाले लोग रहते होंगे। आई कैन वाउच फॉर इट। ये जो मेरी मदर अच्छा है तो हमारे घर में काफी सारी कमियां है, पर मुझे हम लोग ऐसे ही मिलजुल के इसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैं कोई दिल में गिले शिकवे रख के आज नहीं जाऊंगी रूम के अंदर तुषार के पास। जो हुआ सबके सामने हुआ, और आगे उसका इंतकाम भगवान माँ पापा जी करेंगे अगर ऐसा फिर से करता है वो तो। पर हमारा ये एक रूल है फैमिली का, ये मम्मी ने मुझे जब मैं शादी करके आई थी मैंने ऐसे घूंघट निकाला था, तो मम्मी ने कुछ ज्ञान दिए थे मुझे ऐसे सासू माँ, उसमें से एक ज्ञान यही था कि बेटा कभी भी लड़ाई हो तो 1-2 घंटे के बाद फिर नहीं, खत्म कर देना। मतलब बहुत से ऐसे तो 2-2 दिन तक बोलते नहीं है, मुंह चढ़ाए रखते हैं। हमारे घर में वैसे ये बात मैं आज शिवानी की मानूंगी, आज तक का रिकॉर्ड है कसम से, शिवानी ना कभी मुंह बना के रहती है, कहेगी ऐसे नहीं हमारे यहाँ होते नहीं है, होता है लेकिन तुरंत शॉर्ट आउट हो जाता है। मुझे नीचे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप अपना होम टूर करवाओ, घर दिखाओ, अपना रूम दिखाओ। तो अगर आप एक प्रॉपर होम टूर चाहते हो, एक अच्छी वीडियो चाहते हो कि हम अपने घर से रिलेटेड बनाएं, तो नीचे कमेंट में लिखो। अगर मोर देन 500 कमेंट आते हैं होम टूर के लिए तो मैं होम टूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको हम पहले किस घर में रहते थे वो भी दिखाएंगे, और उससे हमने कैसे ये घर बनाया है। इतनी ये क्या कर रहे हो भैया? फर्क पड़ा है मुझे लगता है मेंटल हो गया, दिमाग खराब हो गया, सिगरेट बंद करवा दी इसकी, सिगरेट बंद करने से देखो ना क्या हाल हो गया। और यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स आ रही होंगी, तो अपने पसंदीदार ब्लॉग पे क्लिक करके देख लो। मैं आप लोगों को कहती हूँ बाय बाय। बहुत सारे लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, 10 मिलियन पहुंचना है।